जय श्री राधे राधे। हम मित्रों लाहड़ी महाशय के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल योगीराज राणा महल घाट पर स्नान करने जाते और साथ में रहते थे उनके भक्त कृष्णाराम। उस दिन भी योगीराज स्नान के बाद कृष्णाराम के साथ गली से लौट रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, कृष्णाराम कपड़ा फाड़ो, कृष्णाराम कपड़ा फाड़ो। कृष्णाराम ठीक समझ नहीं पाए कि उनके गुरु महाराज ने क्या कहा। कुछ दूर आगे पांव रखते ही निकट के मकान की छत से ईंट का एक टुकड़ा योगीराज के पैर पर आ गिरा, उंगली कट गई और खून बहने लगा। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े से थोड़ा सा फाड़कर उंगली में बांध दिया। कपड़ा बांधने में कृष्णराम ने सहायता की। इसके बाद कृष्णाराम ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज यदि आपको पहले से ही मालूम था कि ईंट पैर पर गिरेगी तो फिर हट क्यों नहीं गए? नहीं तो यह चोट लगती ही नहीं। योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होता कृष्णाराम, यदि दूर हट जाता तो वह भोग किसी समय सूद सहित चुकाना पड़ता, अर्थात जो कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, जो प्राप्त है उसे तो लेना ही होगा, बल्कि जितनी जल्दी यह ऋण चुक जाए उतना ही अच्छा है। कृष्णाराम के दो पुत्र और एक कन्या रात खा पीकर सो गए। उनकी पत्नी ने विनयपूर्वक उनसे कहा, छोटे लड़के के जनेऊ या यज्ञोपवीत का समय पार कर गया, उसके जनेऊ की कोई व्यवस्था आपने नहीं की, जितनी जल्दी हो सके उपनयन संस्कार की व्यवस्था करें। कृष्णाराम गरीब ब्राह्मण थे, किसी प्रकार गृहस्थी का निर्वाह हो जाता था, लड़के के उपनयन संस्कार के लिए पैसा कहाँ से लाते। वे गुरु महाराज के अनन्य भक्त और सेवक थे। कृष्णाराम को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, गुरु महाराज की जब कृपा होगी उपनयन की ठीक व्यवस्था हो जाएगी, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आकारण चिंता करके क्या करूं? जिसकी चिंता है वे स्वयं ही करेंगे। कृष्णाराम दूसरे दिन सुबह उठकर गुरु महाराज को साथ में लेकर गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन की तरह योगीराज के घर गए। योगीराज आसन पर बैठे थे। कृष्णाराम के प्रणाम करते ही योगीराज ने अपने आसन के नीचे से 30 रुपया निकाल कर दिया और कहा, इस रुपये के द्वारा शास्त्र अनुसार अपने लड़के का उपनयन संस्कार करो, आडंबर अथवा दिखावे का कोई प्रयोजन नहीं। कृष्णाराम ने लज्जित होते हुए कहा, गुरु महाराज आप मुझ पर हमेशा कृपा करते हैं, मैं तो ठीक से आपकी सेवा भी नहीं कर पाता, मुझे आप रुपये क्यों देंगे? योगीराज ने कहा, देखो कृष्णाराम, देने वाला मालिक तो एक ही है, वे तो किसी न किसी के हाथ से ही देते हैं, अभी वे मेरे हाथ से ही दे रहे हैं, तो फिर तुम लोगे क्यों नहीं? कृष्णाराम ने सम्मानपूर्वक उस रुपये को ले लिया। 5 कोड़ी बंदोपाध्याय योगीराज के एक प्रिय भक्त थे, जिनकी साधना अत्यंत उन्नत थी, किंतु गृहस्थी के पंकिल या गंदले परिवेश में रहकर भगवत साधना करना अत्यंत कठिन देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि घर बार छोड़कर चले जाएंगे, किंतु इसके पहले गुरुदेव की अनुमति चाहिए। बंदोपाध्याय जी ने एक दिन गुरुदेव के पास जाकर संन्यास लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। योगीराज ने उनकी सारी बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे जनेऊ का भार अधिक है या जटा का भार अधिक है? तुम क्या साधु की हैसियत से स्वयं का प्रचार करना चाहते हो ताकि लोग तुम्हें जाने और कुछ अर्थोपार्जन हो सके? देखो
गेरुआ वस्त्र पहनने से लोग यदि साधु हो सकते तो गधे घोड़े भी साधु हो जाते, उनका भी रंग तो गेरुआ ही है, तो फिर उन्हें साधु क्यों नहीं कहेंगे। यह सब पागलपन छोड़ो, गृहस्थी में रहो, स्वयं जो उपार्जन कर सकते हो उसी जीविका पर जीवन का निर्वाह करो और ईश्वर की साधना करो। दूसरों से दान लेकर जीवन यात्रा का निर्वाह नहीं करोगे। अंत में सिर झुकाए पंचकोड़ी बंदोपाध्याय चले गए। यही आगे चलकर केशवानंद ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए थे। योगीराज कहा करते थे कि भारतवर्ष में आध्यात्मिक जगत के कंकाल स्वरूप मठ मिशन एवं आश्रम का अभाव नहीं है। मठ मिशन करने से ईश्वर की साधना नहीं होती, ये सब ईश्वर की साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। केस प्रकार मठ और मिशन का प्रचार प्रसार हो, इसी ओर ध्यान लगा रहता है, इसलिए वे एकांत एवं गोपन साधना पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि गेरुआ पहनने पर लोग साधु के रूप में पहचान सकते हैं, किंतु साधना में व्याघात या बाधा पड़ती है। सफ़ेद कपड़े में लोग पहचान नहीं सकते और साधना भी भली भांति हो सकती है। सन्यासी जीवन अत्यंत कठिन है, इसी कारण उन्होंने किसी भक्त को सन्यासी होने की अनुमति प्रदान नहीं की। हालांकि पहले से ही सन्यास में दीक्षित उनके अनेक भक्त थे, वे गृहस्थ को घर संसार में ही रहने को कहा करते थे और सन्यासी को सन्यास आश्रम में रहने का उपदेश देते थे। उनका उपदेश यह था कि जो जिस आश्रम में है वह उसी आश्रम में रहकर आत्म साधना करे, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में ही कल्याण होगा। वे पोशाक परिवर्तन का निषेध करते थे। वे कहते थे कि रंगीन पोशाक पहनकर साधु होने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। जो जिस पोशाक में है और जो जिस परिवेश में है वही तुम्हारे अनुकूल है, उसी प्रकार रहकर ही आत्म साधना करते रहो, तभी जीवन सफल होगा। एक बार योगीराज के शिष्य केदारनाथ दे की पत्नी को हैजा हो गया, वे मरणासन हो गईं। कई छोटे बच्चे बच्चियां को देखने का भार, अगर पत्नी को कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। यह सोचकर केदारनाथ गुरु के पास भागकर आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, नहीं तो छोटे बच्चों को लेकर बड़ी आफत में फंस जाऊंगा। केदारनाथ रो पड़े। योगीराज ने सामाजिक रीति के अनुसार कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। केदारनाथ ने रुआसे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, डॉक्टर बुलाने से कोई लाभ नहीं, आप कृपा करें, नहीं तो वह बचेगी नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ, जो करना है आप ही करें। महायोगी की हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने कहा, मैं जो कहूँगा वह तुम करोगे? केदारनाथ के मन में आशा की किरण झिलमिलाई। उन्होंने कहा, आप जो आदेश देंगे वही करूँगा। योगीराज ने कहा, जाओ एक सीसी गुलाब जल ले आओ। केदारनाथ तुरंत एक दुकान से गुलाब जल ले आए। योगीराज ने कहा, बाथरूम में जाओ और अपना दस्त जरा सा उस गुलाब जल में मिलाकर शीघ्र लाओ और रोगी को पिला दो। केदारनाथ ने वैसा ही किया और रोगी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। योगीराज हमेशा लौकिक रीति और लोक व्यवहार के अनुसार चिकित्सकों के कार्य में व्याघात न उत्पन्न कर उनका परामर्श करने को कहा करते थे। उनके द्वारा दी गई औषधि का विशेष गुरुत्व नहीं था, वह तो एक उपलक्ष्य मात्र था। इस देव दुर्लभ महायोगी ने हमेशा भक्तों के मंगल के लिए स्वयं को समर्पित कर रखा था। वे सदैव भक्तों को उपदेश देते और ऐसी शिक्षा प्रदान करते जिससे उनकी साधना सफल हो सके। योगीराज कहा करते थे कि सभी लोगों के शरीर में 6 चक्र हैं,
जिसे तंत्र योग की भाषा में षटचक्र कहते हैं। इन षटचक्रों ने ही सबको बांध रखा है। यदि तुम लोग प्राण कर्म या प्राणायाम के द्वारा अवलंबन रहित या आधार शून्य हो सको, अर्थात शून्य का ही आश्रय ले लो, तो फिर वे कुछ नहीं कर सकेंगे। तब यह समझोगे कि षटचक्र का भेदन हो गया। शून्य अर्थात कुछ नहीं, इसी कुछ ही नहीं या शून्य की अवस्था में स्थित होने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती। श्वास प्रश्वास के संग को ही सत्संग कहते हैं। इसलिए जब तक श्वास है तब तक ही जीव की सत्ता है, अर्थात श्वास ही सत है। इस श्वास प्रश्वास के साथ संग या मैत्री कर लेने से ही शून्य में स्थिति होती है। तब कर्तव्य, चिंता, पाप, पुण्य, इच्छा सभी चले जाते हैं और फिर स्वभाव अर्थात आत्मभाव की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी आधार शक्ति है जो सुप्त है। यह स्थूल का अवलंबन करके आधार को जकड़े हुए है। इसे आधारच्युत कहना होगा। ऐसा होने पर ही यह शिव के अर्थात शून्य के आश्रय में निराश्रित अथवा न्यावलंब होगी। जीव पहले स्थूल तत्व को ही आश्रय समझता है, किंतु शून्य तत्व जहाँ कोई अवलंब या आधार नहीं है वही जीव का वास्तविक या प्रकृति आश्रय है। कंठ के ऊपर आज्ञा चक्र में स्थिति या आश्रय प्राप्त करने पर ही जीव की स्थायी रक्षा होती है। आज्ञा चक्र से दोनों ओर जा सकते हैं, ऊपर अवस्थित की ओर और नीचे अव्यक्ति की ओर।